हाय गाइस, दिस इज जियार एंड यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जोकर फॉर फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों के लिए जॉब नहीं लेके आया हूँ, जॉब की बात नहीं करूंगा मैं आज आपके सामने। मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट बात करूंगा जो मेन बात है, और वो काफी एक हफ्ते से जो है हम लोगों के पास लड़के लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि सर तमिलनाडु में क्या चल रहा है, क्या सर हम लोग बेंगलोर आए या नहीं आए। सर अगर ऐसा है, तमिलनाडु में ऐसा चल रहा है, तो क्या हम लोग बेंगलोर में या फिर कर्नाटक में सेफ है या नहीं है। तो मैं अपने ही सब्सक्राइबर से, अपने ही उन कैंडिडेट्स लोगों से ये थोड़ा हल्का सा अपनी तरफ से क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए गाइस, आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे कैसा चल रहा है, कैसे वीडियोज आ रहे हैं और कैसे मैसेज आ रहे हैं। इवन हम लोगों के पास, हमारी टीम के पास भी, हम लोगों के पास भी, मेरे पास भी ऐसे वीडियोज कॉल्स और मैसेज आए हैं, आते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा आज अपनी और अपने कंपनी की और बेंगलोर में कर्नाटका की। जो तमिलनाडु में क्या हो रहा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है, या फिर तमिलनाडु में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो आप लोगों को पता है। लेकिन बेंगलोर में, कर्नाटका में ऐसा कुछ नहीं है। आप डरे नहीं, आप सहमे नहीं। जो जो बंदा आना चाहता है बेंगलोर में, कर्नाटका में जॉब करने के लिए, वो बंदा बेफिक्र होके आ सकता है, बिना टेंशन का, बिना झिझक का आ सकता है, जो कर सकता है काम कर सकता है। रहा तमिलनाडु का बात, तो वहां तो काफी टाइम से, काफी साल से ये मुद्दा जो है लेबर और वहां के लोगों के बीच में चलता आ रहा है। और ये कहां पे होता है, जो मजदूरी लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं जो ईटा चूना पत्थर का काम करते हैं, ये उन लोगों के बीच की बात होती है, उन लोगों के बीच में ये चलता रहता है। जो ऑफिशियल में जो है हिंदी भाषी लोग है या फिर ऑफिशियल के लोग है, उनके साथ थोड़ा नहीं होता ये सब। तो साउथ में, बेंगलोर में ये सब नहीं है। आप बेफिक्र होके ज्वाइन हो सकते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज एक लास्ट एक हफ्ते से मैं, मतलब एक हफ्ते से हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक हफ्ते से जो है हम लोगों के पास जितना डेली कॉल आता ना, उसमें से है जॉब के रिलेटेड तो कम आता है, और 70-80% फोन ऐसे आते हैं जो यही इंक्वायरी करते हैं कि सर ये बात सही है क्या कि तमिलनाडु वैसा चल रहा है, तमिलनाडु वैसा चल रहा है। तो गाइज, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं और बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि वो एक पॉलिटिक्स एक अलग चीज हो गई, राजनीति की अलग चीज हो गई, और हम लोग जो है मैन पावर वाले हैं, हम लोग एक कंसल्टेंसी कंपनी वाले, हम लोग एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो मैं ये सब जो है मुद्दा और उन सब में जो जाऊंगा नहीं, बात करेंगे नहीं। मैं तो आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि बेंगलोर में ऐसा कुछ नहीं है, कर्नाटका में ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना टेंशन का, बिना फिक्र का, आप बिना किसी झिझक के आ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, जॉब हो सकते हैं। हमारी कंपनी आपको पहले की तरह हेल्प करती रहेगी और करती है, बिना किसी ज्वाइनिंग चार्ज का, बिना किसी कंसल्टेंसी फीस का आपको काम मिलता है 100% फ्री में। तो गाइस, इतना इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था।